वाइजैग साइट सीन। तो आइए अभी निकल पड़े हम लोग ऑटो में, मॉर्निंग के 9 बज रहे, अभी ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने सी साइट सीन। तो अभी चलते हैं, क्या देखने को मिलता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू द सीमाचलम टेम्पल। तो अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो इधर आके आपको 15 रुपीज बस का टिकट खरीदना होगा। वाइजाग एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बोथ हिल्स एंड समंदर एक साथ देखने को मिलेंगे। तो बाय द वे अभी हम लोग आ चुके हैं सीमाचलम टेम्पल में। तो बस से आना पड़ा हम लोगों को, 5 से 6 मिनट का रास्ता है बस। तो आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो सीमाचलम टेम्पल। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, फर्स्ट बींग दी तिरुमाला तिरुपति बालाजी टेम्पल। और ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है और हिंदू धर्म में इसका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो टेम्पल देख रहे हो, दिस टेम्पल वॉज बिल्ड अकॉर्डिंग टू दी कलिंगा आर्किटेक्चर। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाई दी नरसिंहा वन ऑफ ओडिशा इन दी 13th सेंचुरी अकॉर्डिंग टू दी कलिंगा आर्किटेक्चर। तो आइए टेम्पल विजिट करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। बेसिकली ये जो टेम्पल है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दी वराह एंड दी नरसिम्हा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आइए टेम्पल के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों बहुत ही लंबा लाइन था और मंदिर के अंदर से हम लोग नरसिम्हा देव के दर्शन करके आए। तो फोटोग्राफी ज़्यादा अलाउड नहीं था अंदर, मैं कर भी नहीं पाया। तो ऐसा कुछ है मंदिर का व्यू। आइए अभी आगे चलते हैं और अपना साइट सीन कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से भगवान के दर्शन करो और इस मंदिर से भगवान नरसिम्हा देव, भगवान बड़ा देव का आशीर्वाद प्राप्त करो। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कैलाश हिल्स। तो आपका ऑटो नीचे पार्क होगा और आपको रोपवे से ऊपर आना होगा। रोपवे का रेट है शायद 80 या 70 रुपीस और टेम्पो का रेट शेयरिंग में है 50 रुपीस। तो रोपवे का लाइन बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग जल्दी आगे टेम्पो से, अगर जाते टाइम रोपवे खाली होगा तो रोपवे से जाएंगे। तो एक्चुअली दिस इज़ कैलाश गिरी, कैलाश हिल्स, द अबोड, द रेजिडेंस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। तो आइए अंदर देखते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, ग्रीन गार्डन से डेकोरेटेड है, 300 एकर में फैला हुआ। आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैलाश हिल्स इज दी रेसिडेंस ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। मेरे पीछे आप लोग देख लो, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ये जो कैलाश हिल्स है ये बहुत ही फेमस है एक ग्रीन गार्डन के लिए, एक टॉय ट्रेन से फुल राइड होता है उसके लिए, और यहाँ से समंदर का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। दोस्तों तो कहा जाता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि कैलाश पर्वत के ऊपर कोई जा नहीं सकता, बट हम लोग आ चुके हैं कैलाश के ऊपर और शिव जी के दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने और माता पार्वती के भी। तो आइए इस गार्डन को घूम के देखते हैं। बहुत ही बड़ा गार्डन है, ऑलमोस्ट 300 एकड़ में फैला हुआ, और एक अच्छा व्यू पॉइंट आपको दिखाते हैं। वो देखिए टॉय ट्रेन का लाइन भी दिख रहा है उधर से आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, विशाखापत्तनम एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको हिल्स और ये ओशन एक साथ देखने को मिलेगा। देखो ये पहाड़ और ये समंदर आपको क्लियर नज़र आ रहा ही होगा। Thank you.
अभी हम लोग आ चुके हैं टेनिटी पार्क में। तो कैलाशगिरी से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है ऑटो में। तो बाकी ये जो पार्क है इसका नाम पड़ा है टेनिटी विश्वधाम। ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिकल लीडर थे आंध्र प्रदेश के। और ये जो पार्क है, ये पार्क है बहुत ही मतलब फर्स्ट चिल्ड्रन पार्क कहा जाता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्क इन आंध्र विशाखापत्तनम। मेरे पीछे एक्चुअली आप लोग एक कमर्शियल कार्गो शिप देख रहे हो। तो दिस इज नॉट अ शिप, एक्चुअली दिस इज अ शिप रैक। तो क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश का चट्टोग्राम ब्रेकिंग यार्ड है, मतलब प्रोबेबली वहाँ से ये शिप एंकोरेज तो अपना एंकोर तोड़ के इधर इधर विशाखापत्तनम में ड्रिफ्ट होके आ चुका है। तो ये एक्सीडेंटली हो चुका है, बट वहाँ से भी इसको मतलब एक शिपरेक ही मतलब डिक्लेयर किया गया था, दिस इज अ शिपरेक नॉट एक्चुअली वर्किंग। तो ये जो शिपरेक है आपको दिख रहा है, इसका नाम है MV मा। तो ये शिप जब यहाँ पे ड्रिफ्ट होके आ गया तो बांग्लादेश का जो ओनर्स थे इस शिप का, तो इसको बेच दिया गिल मेरिन्स के लिए। मतलब गिल मेरिन है विशाखापत्तनम का एक शिप अथॉरिटी, तो उन्होंने इसको बांग्लादेश से खरीद दिया। और और ये जो गिल मेरिन्स है इनसे 125 करोड़ लेकर इस शिप को खरीदा विशाखापत्तनम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। और कुछ दिन बाद इस शिप को कन्वर्ट किया जाएगा एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में। मतलब आप इधर बैठ के शिप के अंदर बैठ के खा सकते हो। तो आइए शिप का क्लोज व्यू आपको अच्छे से दिखाते हैं, नीचे चलते हैं और समंदर से भी शिप का ये शिप रेक का व्यू दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग थे उधर टेनिटी पार्क में और अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। और इधर देख पा रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ा शिप रेक। दोस्तों अभी इन पत्थरों के ऊपर आ चुका हूँ मैं, देखो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में लोग बैठे हैं, इधर चिल कर रहे हैं, समंदर का लहरों का मज़ा ले रहे हैं। फुल समंदर आपको दिख रहा होगा इधर, और पीछे देखो बहुत बड़ा शिप रेक। दोस्तों अगर आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स का नाम सुना होगा, जो कि अंडमान का एक बैंड आइलैंड है जहाँ पे आप लोग नहीं जा पाओगे, अगर आप गूगल का सैटेलाइट मैप देखोगे आपको ऊपर से एक शिप रेक दिखेगा ऐसा ही। तो अगर आप विशाखापत्तनम का मैप भी खोलोगे सैटेलाइट व्यू में तो आपको भी ऐसा एक शिप रेक दिखेगा। तो बहुत ही सिमिलर फील हो रहा है मेरे को। तो आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्पॉट विजिट करते हैं। चलिए, हम लोग आ चुके हैं अभी तोतला कोंडा बीच में। तो कोंडा का मतलब है हिल और तोतला इस एरिया का नाम है। तो पीछे हिल देख रहे हो आप, तो वहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है, तोतला कोंडा मोनेस्ट्री। तो वहाँ पे अपना ऑटो नहीं जा सकता, तो आइए पीछे देख लेते हैं। दिस इज़ द तोतला कोंडा बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच है। इधर सामने रिजॉर्ट्स भी है, कुछ रेस्टोरेंट्स भी है, आप लोग इधर खा सकते हो। और ये लोनली बीच है थोड़ा, मतलब उतना क्राउडेड आपको पसंद नहीं है तो आप इधर आके रिलैक्स कर सकते हो। ये फेमस किस लिए है? फेमस है एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के लिए, जो कि है एक आर्च। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो ऑटो है, कार है, तो तोतलाकोंडा से थोड़ा आगे, मतलब दो या तीन मिनट भी नहीं, उससे कम सेकंड में आपको थोड़ा आगे आना होगा और आपको ये नेचुरल आर्च देखने को मिलेगा। तो आपको कहना होगा अपने ड्राइवर से। तो दोस्तों मेरे पीछे आप लोग ये देख पा रहे हो, इस नेचुरल फॉर्मेशन नेचुरल आर्च। तो इसके नीचे से समुंदर का लहर जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत आर्च है। तो ऐसा कुछ है आर्च का नजारा, ये देखो। तो अभी आर्च के सामने खड़ा हूँ मैं, पीछे आप लोग देख रहे हो दरिया और पूरा नीचे होगा सफेद पानी। और आप लोग नीचे देखो कितना खूबसूरत पानी आ रहा है, आर्च के नीचे से जा रहा है और पानी का छींटा भी मेरे शरीर पे आ रहा है। बहुत ही सही जगह है यार। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ऋषिकोंडा बीच। तो इस ये वाला बीच बहुत ही क्राउडेड है, अगर आपने देखा होगा गोल्डन बीच, मरीना बीच जैसा बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड बीच है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो बीच है ये नहाने वाला बीच है और लोग यहाँ पे नहाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग से चेंजिंग पॉइंट है, यहाँ पे मसाज कॉर्नर है, आप कुछ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, उधर कुछ वाटर एक्टिविटीज़ भी आप वो भी कर सकते हो। तो आइए बीच को थोड़ा एंजॉय करते हैं, मज़ा लेते हैं। पीछे आप लोग देख सकते हो स्पीड बोट, मोटर बोट, बहुत सारे स्पोर्ट्स, वाटर वाला स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रहे हैं। तो आप लोग ये भी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बीच है। और आप लोग देखो कितना क्राउडेड बीच है और कितने लोग बीच में नहा रहे हैं, मतलब बहुत ही सही बीच है, बहुत ही मज़ा आ गया ये बीच देख के, मतलब बीच वाला वाइब्स आ रहा है इस बीच से। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने अंदर कोकोनट वाटर, रोस्टेड कॉर्न और कच्चा मैंगो का मज़ा लिया और बीच का इतना खूबसूरत व्यू देखते देखते ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठाते उठाते हम लोगों ने खाया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अभी हम लोग जाएंगे अपने फिशिंग हार्बर की ओर। चलिए आगे चलते हैं।
पूरा शाम ढल चुका है और हम लोगों का लास्ट स्पॉट ये है विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का फिशिंग हार्बर। ये जो बोट्स है, इतने सारे बोट्स है, सारे नंबर्ड किए गए बोट्स है, मतलब ये जो डॉक पे रखे हुए हैं इधर, मिडनाइट को ये निकलेंगे एकदम डीप ओशन में, डीप सी में मछली पकड़ के एकदम सुबह को आएंगे। उधर ऑक्शन होता है और उधर ऑक्शन के बाद एक एक करके फिश जाता है, एक एक ट्रक में लोडिंग होके अनलोड होके, बहुत सारा मतलब बहुत एक पोर्ट में जो होता है, एक हार्बर में जो होता है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ का सीन, यहाँ का नज़ारा। तो ये बोट अभी सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि मिडनाइट को निकलने वाले हैं ये लोग। तो दोस्तों, इस ट्रक से बर्फ़ आया, इसको इस बोट में लोड किया गया। अभी ये बोट जाएगा, रेडी हो रहा है मिडनाइट में सी में जाने के लिए, और सुबह ये आएगा फिश बेचने। तो बहुत ही मतलब बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रहता है इन लोगों का, एकदम रात में डीप सी में। तो दोस्तों, एक जगह पे हम लोग रुक गए हैं, तो इधर छोटा मोटा अनलोडिंग चल रहा है, आइए देखते हैं ये वाला चीज़। ये देखो दोस्तों, इधर साइड में ड्राई करने के लिए इतने सारे फिश इधर है, और अच्छे से देखोगे ये छोटे बच्चे पॉम्फ्रेट जैसा है, देखो कितना खूबसूरत। तो दोस्तों, आ चुका हूँ वापस अपने होटल में। तो आज का दिन बहुत टायरिंग था, बहुत टायर्ड हो गया, और बहुत चीज़ देखने को भी हम लोगों को मिला, पहाड़, समंदर, ब्यूटीफुल गार्डन्स, और क्या कुछ हमने लोगों ने नहीं देखा। बाकी मेरे होटल के बैल्कनी से व्यू तो आप लोग देख ही पा रहे हो, मेन रोड, फिर मार्केट, फिर सी। तो चलो सही है, आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आपको, आप लोग ज़रूर बताओ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इसको ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।